Start a new chapter maxima and minima. Now maximum value of a function fx. Consider the graph of the function fx. This is the graph of function x. This is a y is equal to fx. X versus y graph. For example, at point A. This is a function. This is a function, and these are the two tangents. These are the two tangents. Now, this function has maximum value at the point A. Y is the value of function fx. Now, when x is equal to A, y is maximum. the function fx takes the maximum value at x is equal to a that is f of a is the maximum value of fx this is the point a now how to represent a comma fa a is the point and fa is its maximum value thus for all x in small neighborhood this is a ए माइनस डेल्टा दिस इज ए प्लस डेल्टा डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू जस्ट फॉर ऑल एक्स इन ए स्मॉल नेबरहुड ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा ऑफ एफ एक्स एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ए मीन्स अगर हम ए माइनस डेल्टा की वैल्यू एफ एक्स में पुट करेंगे मीन्स एफ ऑफ ए माइनस डेल्टा और ये क्या है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा इन दोनों की वैल्यूज किससे कम होंगी एफ ऑफ ए से मीन्स एफ ऑफ ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू सो एफ ओ फस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए दैट इज एट एफ एक्स इज मैक्सिमम मीन्स एट पॉइंट ए से चाय वैल्यू कम हो एट पॉइंट ए चाय वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन जो आंसर आएगा एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू ए पॉइंट पे क्या होगी मैक्सिमम सो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स एफ ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिस इज द कॉ मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्राफ at point a these are the neighborhood points a minus delta a plus delta this is the graph of function fx now this is the tangent at point a these are the tangents at neighborhood points now the function fx takes the minimum value of f minimum value of key at x is equal to a so fa is the minimum value of fx

ए से चाहे कम हो ए माइनस डेल्टा ए से चाहे ज्यादा हो लेकिन एट ए एफ की वैल्यू क्या है स्मॉल वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्राम लेफ्ट अप्रीज टू द राइट ऑफ स्टूडेंट ये क्या हो रहा है लेफ्ट ये क्या कर रही है डिक्रीज उसके बाद क्या कर रही है इंक्रीज मतलब मिनिमम वैल्यू पे क्या होगा पहले आपका फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज फिर क्या कर रहा है इंक्रीज और एफ ऑफ एक पे क्या आ गया मिनिमम वैल्यू सो स्टेशनरी पॉइंट्स लेट एफ आपका फंक्शन है और सेट ऑफ वैल्यूज क्या रियल वैल्यूज बी ए फंक्शन स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए ए कोई पॉइंट है स्मॉल ए एफ इज सेट टू बी स्टेशनरी एट ए कह रहा पॉइंट पे आपका फंक्शन स्टेशनरी कब होगा इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो मीन्स एफ एक्स हमें दिया होगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और एट पॉइंट ए पे अगर डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो वो वाला पॉइंट क्या होगा स्टेशनरी पॉइंट और फंक्शन क्या हो जाएगा स्टेशनरी सो फर्दर इज़ कॉल्ड स्टेशनरी वैल्यू एटल एंड कोमा एफ ए पॉइंट था एफ ए क्या उसकी वैल्यू इसका स्टेशनरी पॉइंट और टर्निंग पॉइंट ऑफ एफ मीन्स टर्निंग पॉइंट कौन सा है जब डेरिवेटिव क्या होगा जीरो सो डेरिवेटिव जीरो का मतलब ये देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये हमारी कर्व थी ये पॉइंट फॉर एग्जांपल ए है यहां पे क्या है मैक्सिमम वैल्यू अब ये वाली जो टेंजेंट है इसकी स्लोप क्या है जीरो स्लोप जीरो मीन्स टैंथीटा इज इक्वल टू जीरो टैन थीटा का मतलब क्या है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो टेंजेंट क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सेज और वहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा जीरो चाहे फंक्शन चाहे ये पॉइंट आपका मैक्सिमम पॉइंट है चाहे आपका मिनिमम पॉइंट है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी कर्व की वो टेंजेंट क्या होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है डेरिवेटिव जीरो मीन्स सो जीरोट पॉइंट इज कॉल्ड ए स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी ऑफ़ तो क्या कीजिए स्टूडेंट डेरिवेटिव निकालिए एफ डैश एक्स so, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 18x 12, किया. निकाल लिया एक्सर माइनस थ्री एक्स प्लस टू फैक्टर बना लिए आ गया वन एंड टू और एक्स इज इक्वल टू वन एंड टू क्या आपके स्टेशनरी पॉइंट्स सो वन कॉमा टू पे क्या होगा कर्व क्या होगी जो वहां पे टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी अब अब एफ ऑफ वन निकालेंगे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा एफ ऑफ एक्स था टू एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्र प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री क्या निकालेंगे एफ ऑफ वन टू इंटू वन स्केयर माइनस नाइन इंटू सॉरी ये क्यूब है वन क्यूब वन स्केयर प्लस ट्वेल्व इंटू वन माइनस थ्री ठीक है ऐसे ही एफ ओफ टू निकालेंगे एफ ओफ वन क्या आ गया वैल्यू पुट की आंसर क्या आ गया टू और ये क्या है स्टेशनरी वैल्यू ये स्टेशनरी पॉइंट था और ये क्या स्टेशनरी वैल्यू फिर x इक्वल टू टू पे वैल्यू पुट कीजिए x की आंसर क्या आ गया वन और ये वन क्या है वैल्यू ठीक है स्टूडेंट स्टेशनरी पॉइंट्स पॉइंट ये क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स वन कामा टू एंड स्टेशनरी वैल्यूज क्या है टू कॉमा वन ये स्टेशनरी वैल्यूज हैं ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स फिर लेट फंक्शन सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल एंड स्मॉल ए कोई पॉइंट है बिलोंग्स टू सेट ऑफ कैपिटल ए देखिए क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में क्या फर्क है दोनों में डेरीवेटिव क्या था जीरो किसी पॉइंट पे एफ डैश ए इज इक्वल टू जीरो बट एफ डैश ए स्टूडेंट एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा उन पॉइंट्स पे ध्यान से देखिए कह रहा है एफ डैश ए डज नॉट एग्जिस्ट एंड एट द पॉइंट्स एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एफ एक्स डिफाइंड भी नहीं है इन पॉइंट्स पे वो वाला पॉइंट क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स स्टूडेंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स ही आपके इंटरवल में जो आपको इंटरवल दी दी होगी उन्हीं के अंदर वो पॉइंट्स होंगे लेकिन उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होगा जीरो और एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उन पॉइंट्स पे डेट पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू रेस टू पावर टू बाई थ्री टू एक्स प्लस वन तो डेरिवेटिव कीजिए स्टूडेंट ये यहाँ पे यू वी फॉर्मूला लगेगा और ये डेरिवेटिव आ गया आपका अब एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू टू स्टूडेंट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू टू पुट करेंगे जब तो ये नीचे जीरो आ गया नीचे जीरो आ गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू टू पे एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है तो एक्स इज इक्वल टू टू क्या आ गया क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है स्टूडेंट नज़र क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू वन एफ डैश एक्स को जीरो भी पुट कीजिए अब क्या रहा है एक्स इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू वन पे देखते हैं एफ डैश एक्स ज़ीरो टू यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन पुट कीजिए कितना आ गया थ्री ओवर थ्री वन पुट कीजिए स्टूडेंट कितना आ गया वन मा वन माइनस टू माइनस वन रेस टू पावर वन बाई थ्री वन पुट कीजिए वन माइनस टू टू बाय थ्री ओवर वन ये थ्री थ्री क्या हो गए कैंसल अब स्टूडेंट ये क्या माइनस वन रेस टू पावर वन बाय थ्री मीन्स क्यूब रूट ऑफ माइनस वन माइनस वन रेस टू पावर टू बाय थ्री स्टूडेंट ये क्या है वन ओवर माइनस वन रेस टू पावर वन बाय थ्री प्लस इसका स्केयर कीजिए और ये क्या आ गया वन बाय थ्री टू बाय थ्री कैसे लिख लिया इसका स्केयर किया क्या आ गया प्लस ये क्या हो गया जीरो एफडेज एक्स जीरो आ गया किस पॉइंट पे जीरो आया

अब एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू आ गया ये तो आपका स्टेशनरी पॉइंट आ गया अब वैल्यू भी निकालेंगे एफ थ्री आ गया नाइन बाय फोर माइनस नाइन बाय टू प्लस टू फोर एल सी एम नाइन माइनस एटीन प्लस टू नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन माइनस एटीन माइनस सेवन बाय फोर ठीक है स्टूडेंट एक मिनट स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव किया ये आ गया टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू थ्री बाय टू ये ठीक है इसकी वैल्यू जहाँ पुट करो एफ ऑफ थ्री बाय टू नाइन बाय फोर माइनस नाइन बाय टू प्लस टू फोर एलसीयम आ गया नाइन माइनस एटीन प्लस फोर टू एट माइनस टेन ठीक है स्टूडेंट माइनस वन बाय फोर ठीक है स्टूडेंट तो so, ये क्या आ गया स्टेशनरी वैल्यू तो क्या आ गया स्टेशनरी पॉइंट थ्री बाय टू और वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाय फोर Next global maximum and global minimum. Yes,